माया हमेशा तुमसे जीतती आई है ना, लेकिन इस बार उसे हार का सामना करना होगा और तुम जीतोगी। और इसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा सांझ। माया को सजा मिलेगी सांझ, चाहे उसके लिए मुझे खुद के गुनाहों को कबूल क्यों ना करना पड़े। बस भाग रहा हूं, किससे भाग रहा हूं बस ये नहीं पता। प्यार ने ना धोबी का कुत्ता बना दिया, ना घर का ना घाट का। प्यार के लिए दोस्ती छोड़ दी, लेकिन दोस्ती की याद नहीं जा रही। आंटी सांझ ठीक तो हो जाएगी ना? उसके साथ तो सुमन आंटी है, माँ है, लेकिन माया के साथ तो कोई भी नहीं है। मैं अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़कर नहीं आया। ये प्यार कितना अजीब होता है ना, प्यार में इतनी हिम्मत होती है कि वो आपको आसमान तक ले जाता है और वही प्यार आपको नीचे गिरा देता है। बड़ा अजीब है ये प्यार। दुनिया ने मेरे प्यार को, दुनिया ने मेरी माया को पागल बना दिया, और मेरा प्यार उसे ठीक कर दिया। वो बुरी नहीं है, उसका दिल साफ है, लेकिन मेरा प्यार ना उसे हद पार करवा देता है। देखिएगा, तो यकीन दिलाऊंगा कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और वो ठीक हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं होगा अर्जुन। क्योंकि तुम ठीक नहीं हो। दोस्त तो छोड़ा है, लेकिन दोस्ती अब भी तुम्हारे दिल में है। माया आंटी, मैं तो सुनो अर्जुन, प्लीज मुझे कुछ दिल से सुनोगी तो सब सुनाई देगा। सुनो, अपने दिल से मेरे दिल की आवाज। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी आवाज है माया। तुम्हारे लिए मैंने अपनी दोस्ती छोड़ दी, पर ये कैसे भूल जाऊं? मैंने किसी का भरोसा तोड़ दिया। अर्जुन, तुम पर भरोसा करने का हक सिर्फ मेरा और हमारे बंदर का है। और अगर किसी ने तुम पर भरोसा किया और वो टूट गया तो उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम किसी और की है, और किसी और की प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास नहीं होता। और इस वक्त और फिलहाल तुम्हारी प्रॉब्लम हो मैं,
और 3 जले हुए अंडे। अंडे? मैं देख क्या था? अरे वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, सारे अंडे खत्म। अब तुम बाहर जाओगे और मेरे लिए अंडे लेकर आओगे। ओके। अब जाओ, मुझे भूख लग रही है। जाओ, तुम अजीब हो, जब जाते हो तो आते नहीं हो, आते हो तो जाते नहीं हो। को जाओ। बोलो सांझ, डरो मत, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? आज तुम्हारे सवाल पूछने का दिन नहीं आया, आज तुम्हारे जवाब देने का दिन है। और तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने प्रेम अंकल को क्यों मारा। इस वक्त मुझे हिम्मत की जरूरत है। मैं इस हालत में नहीं हूं कि किसी को हिम्मत दे सकूं। मुझे माफ कर दे सुमन, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। ना मेरे दिल में अर्जुन के लिए प्यार होता, ना दर्द होता, ना मैं उस घर में जाती और ना माया इस घर में आती। सब मेरी गलती है। नहीं वंदना, किस्मत का लिखा किसी की गलती कैसे हो सकती है? माया का लिखा, मानती हूँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन सांच बिल्कुल सही कहती थी, ये सब माया का किया था। नहीं यार, उस वक्त तो घर पे सिर्फ मैं, तुम, शुभ और समय थे, फिर माया कैसे आ सकती? एक बात बता, एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती है, लेकिन जानवी जी माया के खिलाफ सबूत ढूंढने में हमारी मदद कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे राज हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानवी जी जानती है, इसीलिए तो माया उन्हें ठीक होने नहीं दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जानवी जी ठीक हो गई ना, तो माया का ये सारा माया जाल, ये सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। माया कुछ भी कर सकती। What? Get out. कोई कहीं नहीं जा रहा है। बहुत घुमा लिया तुमने सबको। समय प्लीज। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने। समय समय प्लीज। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता माया। समय प्लीज। क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। और अब मैं सांझ के साथ हूं। I don't care. Get out. चिल्लाओ मत।
हैं सबको। बहुत चक्कर में डाल दिया। समय प्लीज। आज तुम्हारा सारा खेल और हर चक्कर खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माया समय प्लीज कुछ मत करना। समय स्टॉप। What's wrong with you? तकलीफ दी है तुमने सबको माया, अब थोड़ा तुम्हें दुख देने का समय आ गया है। हर बुराई का एक समय होता है माया, अब तुम्हारा समय आ गया है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में मेरी बीवी को छूने की? प्लीज कुछ मत करना। समय प्लीज।
बस अर्जुन, अपने बच्चे के लिए रुक जाओ प्लीज। खुश हो सांझ, समय की हालत देखकर खुश हूं। सांझ, तुम हमेशा अर्जुन के प्यार के लिए किसी और को क्यों पिसने देती? कभी वंदना आंटी, कभी अयान, और अब तुमने अपने पापा की मौत का बहाना बना लिया। सांझ, अर्जुन तुमसे कितनी बार कहे और कितने तरीकों से कहे कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ते? माया, पहली बात तो ये कि सांझ अर्जुन के पीछे नहीं है, और दूसरी बात ये कि प्रेम अंकल का खून तुमने करवाया है। कैसे? सांझ, तुम ही बता, तुम्हारे पापा घर में थे और तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में थी, राइट? सांझ, तुम्हें पूरी दुनिया में अर्जुन के सिवा और कोई नहीं मिला? सांझ अर्जुन से प्यार नहीं करती, क्योंकि अब सांझ के साथ समय है, इसलिए वो तुमसे शादी नहीं कर रही है। समय, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे और अर्जुन के बीच आ जाती है। सांझ, बस मैं ये खेल और नहीं खेल सकती कि अब मैं अकेली नहीं हूं, मेरा बच्चा मेरे साथ है। प्लीज सांझ, प्लीज मेरे ना सही, लेकिन प्लीज उसके बारे में तो सोचो। क्योंकि मैं एक और बार अपना बच्चा नहीं खो सकती। माया, अर्जुन स्टॉप इट, प्लीज 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 समय, प्लीज प्लीज अर्जुन, प्लीज समय, मुझसे या अर्जुन से लड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन सांझ के पास है, और प्रॉब्लम ये है कि वो अर्जुन से प्यार करती है, तुमसे नहीं, इसीलिए वो तुमसे शादी नहीं करती। एक मिनट माया, सांझ और मैं एक हफ्ते के अंदर शादी कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन से सांझ का प्यार करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सांझ मुझसे प्यार करती है। सांझ, करती हूं ना मुझसे प्यार? बोलो। समय समय, तुम प्लीज चलो यहां से, यह हमारा कोई काम नहीं, तुम चलो यहां से। समय समय, प्लीज प्लीज चलो यहां से।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.